रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री में नया टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, हमने पढ़ना है कि बोहर ने एटम के बारे में क्या बताया था, कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बोहर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमारा टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी दे चुके थे, जैसे थॉम्सन थे। ठीक है, जे थॉम्सन ने दी थी, उसके बाद रदरफोर्ड ने दी, और रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट थे वो क्या थे। रदरफोर्ड कहते हैं कि जो एटम है वो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस मोशन में है। ठीक है, और मोशन भी कौन सी कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता करता न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ हिट करता है। तो इस तरह से अगर ये चीज़ सच थी तो क्या होना चाहिए था कि एटम का स्ट्रक्चर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोलैप्स कर रही है न्यूक्लियस के साथ तो एटम खत्म हो जाना चाहिए स्ट्रक्चर उसका। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का डिफेक्ट। ठीक है, तो इनको जब स्टडी किया बोहर ने तो बोहर इनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने अपना मॉडल अगेन दिया। ठीक है, बोहर एटॉमिक थ्योरी का मॉडल उन्होंने दिया। तो पढ़ते हैं, बोहर ने अपना मॉडल किस बेस पे दिया। इनका बेस था जी, बेस इन्होंने बनाई क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक को। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, उस क्वांटम थ्योरी को इन्होंने अपनी बेस बनाया और उस बेस पे इन्होंने मॉडल पेश किया। ठीक है, तो इन्होंने मॉडल में क्या बताया, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करें, ऑर्बिट करें। ठीक है, इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या करें, ऑर्बिट करें, मूव करें, दैट हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में मूव करें और हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की। तो यहाँ पे हम ऑर्बिट डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, के ऑर्बिट है जो कि पहला है, सेकेंड एल है, ठीक है, थर्ड एम है और फोर्थ एन है। ठीक है, इनको शेल्स भी बोलते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। तो ये थे बोहर के अकॉर्डिंग, जो बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है और हर ऑर्बिट की क्या है, अपनी एनर्जी है। तो देख लेते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट कर रहे हैं, लेकिन बोहर क्या कहते हैं कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि उसके गिर्द घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट की बता दी इन्होंने, हर ऑर्बिट की क्या है, अपनी एनर्जी है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड हुई हुई है, फिक्स्ड हुई हुई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो न्यूक्लियस के करीब होगा शेल, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, जितना नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है। दूसरे शेल की देखें बात, दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो इसकी एनर्जी क्या है, हायर है, क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो इसकी एनर्जी क्या है, हायर है इस एनर्जी की नस्बत जो के शेल की एनर्जी है। ठीक है, तो एल शेल से बाहर लास्ट वाला शेल हमारे पास अभी इस एटम के स्ट्रक्चर में आ रहा है एम का, तो एम की एनर्जी क्या है, हाइएस्ट है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाले शेल की ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, हाइएस्ट, उसके अंदर वाले शेल या ऑर्बिट की एनर्जी हायर होगी, और सबसे नज़दीक जो होगा न्यूक्लियस के, इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट होगा वो। ठीक है, तो अभी तक हमें बोहर ने क्या बताया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने ऑर्बिट में मूव करता है। तो यहाँ पे हमने एनर्जी भी पढ़ ली। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कौन सा होता है, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, जो सेकंड नंबर पे है उसकी एनर्जी हायर है, जो थर्ड नंबर पे है या जो सबसे दूर है उसकी एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। ये थे बोहर के बेसिस जो उन्होंने दी थी। अब हम पढ़ते हैं इसकी पास्टुलेट्स, बोहर ने अपने क्या पास्टुलेट दिए अपनी थ्योरी से, अपने एटम के स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो ये बताते हैं, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है, एक टाइनी न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अपने किसी उसके बाहर जो ऑर्बिट है उसके अंदर। ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, रेडियस आर, और रेडियस क्या है उसका, आर है न्यूक्लियस से अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं रेडियस क्या है, रेडियस होता है जो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये है इसका रेडियस आर, समझ आ गई है। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के पास एक टाइनी न्यूक्लियस है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एक ऑर्बिट में। ठीक है, और उसका रेडियस क्या है, आर है विद द न्यूक्लियस। ये पास्टुलेट में फर्स्ट पॉइंट है बोहर का।
ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है उनका, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट आर क्वांटाइज, और हर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है दैट आर क्वांटाइज, जो कि फिक्स्ड हुई हुई है, ठीक है। तो के शेल की एनर्जी क्या है, लोएस्ट है। एच शेल की क्या है, हाई है, और उससे बाहर वाला शेल है उसकी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। जैसे 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 न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे शेल, उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एम एल शेल की एनर्जी के से ज़्यादा होगी और एम की एनर्जी एल से ज़्यादा होगी, ठीक है। जो ऑर्बिट हैं इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। समझ आ गई है सेकेंड पार्टिकुलर का, ठीक है। थर्ड है जी, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के एक ही ऑर्बिट के अंदर रहेगा, इट डजंट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। जब वो एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, वो एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ना ही अगर वो एक के अंदर मूव कर रहा है तो उसे कोई एनर्जी ना ही मजीद चाहिए, ना ही अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी उसी सूरत में एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट है, अभी ये कहीं भी नहीं जा रहा, तो ना ही ये एनर्जी रिलीज करेगा ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एनर्जी ये एब्जॉर्ब तब करेगा जब ये मूव करके जा रहा है, ठीक है। ये रिलीज ये एब्जॉर्ब तब करेगा जब ये अपने ऑर्बिट से निकल के जा रहा है। अब यहाँ मैंने जो एरो लगाया है वो ये शो कर रहा है कि ये के शेल से निकल के कहीं और जा रहा है, ठीक है, किसी और ऑर्बिट में जा रहा है। तो ये अब यहाँ से निकलेगा तो उसी टाइम की एनर्जी अगर इसको चाहिए तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर इसको नहीं चाहिए तो ये रिलीज कर देगा, ठीक है। इस तरीके से जो एम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये भी एनर्जी तभी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा जब ये एम शेल को छोड़ेगा, ठीक है। ऊपर हमने बात की है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक वो एक ही ऑर्बिट के अंदर है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एनर्जी उस टाइम पे ये एब्जॉर्ब या रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद है जी, वेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट से वो हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कौन सा था, के है, ठीक है, जो सबसे अंदर है, ठीक है। और हायर, इससे हायर कौन सा होगा, इससे हायर होगा एल, ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड, ठीक है, जब वो लोअर से हायर में जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो के से एल में जा रहा है या फिर अगर वो एल से एम में जा रहा है, क्योंकि एम की एनर्जी ज्यादा है एल से, ठीक है, और एल की एनर्जी ज्यादा है के से, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो के से एल में जा रहा है या वो एल से एम में जा रहा है, क्योंकि वो लोअर से हायर में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बाहर वाले जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो इनर वाले ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके बाहर जाएगा, ठीक है, एल में या एम में, तो ये इस टाइम पे क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बाहर वाले जो शेल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जब ये अंदर से बाहर वाले शेल्स की तरफ मूव करेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी करेगा एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है, जब ये अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट से, क्योंकि ये लोअर था और ये हायर है एनर्जी ऑर्बिट, जब ये लोअर से हायर की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और जब ये हायर ऑर्बिट से एम से एल में जाएगा या फिर के में जाएगा, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। समझ आ गई है, जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर से लोअर में तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे या रेडिएट करेंगे, ठीक है। समझ आ गई है इस चीज की, तो ये हमारा है, हमें समझ आ गया कि एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कब होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है एनर्जी में, एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है, उस चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा ई से, ठीक है। कैसे शो करते हैं हम, डेल्टा ई से, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम कैसे शो करें, उसको हम शो करें डेल्टा ई से, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या है हमारे पास, अब हम देख लेते हैं, जो एनर्जी के अंदर चेंज आया है, ठीक है, ई टू माइनस ई वन। ई टू क्या है, जब हाई से लो में गया है, और ई वन क्या है, जब लो से हाई में जा रहा है, ठीक है। तो डेल्टा ई हमारे पास चेंज एनर्जी क्या है, कि वो हाई से लो में गया है तो कितनी एनर्जी उसने रिलीज की है, और लो से हाई में आया है तो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, ठीक है। तो डेल्टा ई हमने लिख लिया ई टू माइनस ई वन, जो कि इक्वल होता है हम कह सकते हैं एच यू की, ठीक है। तो ई क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या है वो, एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, जो हमने पीछे पढ़ा कि इन्होंने प्लैंक्स मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यूज की थी, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक्स का ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट हम कहते हैं एच को, और उसकी वैल्यू क्या है, आपकी बुक में दी गई है, 6.63 इंटू 10^-3 जॉल पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्टिकुलेट है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है वो हम पढ़ेंगे इसमें, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR गिवन एज, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और इस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है कि इसका जो इसकी जो मूवमेंट है, क्योंकि ये सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, जो सर्कुलर मूवमेंट होती है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जो कि MVR, m होता है मास और v होती है वेलोसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इसका मास क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, और इसका रेडियस क्या है सेंटर से, ठीक है। रेडियस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस से, ये सेंटर पॉइंट से, वो क्या है हमारे पास, वो इसका होगा आर, ठीक है, वो होगा इसका रेडियस। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई है MVR हम कैसे निकालेंगे किसी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो MVR क्या है हमारे पास, NH/2π, ठीक है। मोमेंटम जो सिंपल लीनियर मोमेंटम है, जो लीनियर मतलब जब सीधी मूवमेंट हो रही है लीनियर डायरेक्शन में, तो वो क्या है P, वो होता है लीनियर मोमेंटम, और वो होता है P, उससे हम उसको डिनोट करते हैं P=mv, मास और वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की। लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो वो कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम, तो वो होता है MVR, ठीक है। MVR क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, मतलब m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, एंड r फॉर रेडियस, ठीक है। अब ये इक्वल होता है NH/2π। अब ये किस तरीके से NH/2π इक्वल होता है, ये वैल्यू कहाँ से आती है, ये क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो रिवॉल्विंग आपको ये मूवमेंट नजर आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये हमारे पास वेव लाइक मूवमेंट भी शो करता है, ठीक है। वेव लाइक, वेव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ की जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो समटाइम्स वेव लाइक मूवमेंट भी शो करता है, ठीक है। तो वेव लाइक मूवमेंट के लिए क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम हमने कहा था, MVR आता है, ठीक है। तो वेव लाइक मूवमेंट के लिए हम देखते हैं 2πr इज इक्वल टू NH हो जाएगा, ठीक है। 2π अब क्या है, 2π जो होता है वो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। ये रेडियस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब इसका हम इसका वेव लाइक मूवमेंट के साथ इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इस सर्कल में लेंगे, सर्कमफ्रेंस लेंगे, दोनों डायरेक्शन में जब हम उसका लेंगे रेडियस, वो हमारा क्या कहलाएगा, 2πr कहलाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एन और लेमडा, एन हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर है, ठीक है। कौन से ऑर्बिट में, या ऑर्बिट नंबर है, ठीक है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है वो होगा, ठीक है। वो ऑर्बिट नंबर क्या है, एन इक्वल टू 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है, 1 ऑर्बिट में भी है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 है, थर्ड में अगर है तो वहाँ पे हम 3 लगा देंगे, और लेमडा, ठीक है। तो हम देखते हैं लेमडा जो होती हैं वो हमारे पास वेव्स होती हैं, ठीक है, जो क्रेस्ट एंड ट्रफ की होती हैं। ये आपको यहाँ पे लेमडा नजर आ रहा है, ठीक है, ये वेव्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे लेमडा, हम यहाँ पे देखें तो इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, ठीक है, जो इसका सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल का, वो हमारे पास क्या है, 2πr है। 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा हमारे पास किसकी इक्वल है, H/mv, ये जो हमारे पास चीज आ रही है ना, H/mv, ये हमारे पास है डी ब्रोगली की इक्वेशन। अभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़नी, क्योंकि आप लोगों की बुक में ये नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने अभी इस लेवल की नहीं है, आप लोगों ने भी सिंपल ये याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डी ब्रोगली की इक्वेशन, ठीक है, अभी आप लोगों ने सिंपल इसको याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डी ब्रोगली की इक्वेशन है, आप लोगों की बुक में शायद लिखा हुआ हो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है डी ब्रोगली की इक्वेशन, जो कि हमें बता रही है कि लेमडा किसकी इक्वल है, H/mv के, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, हाँ, लेमडा की वैल्यू हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो हमने लिख दिया H/2π, ठीक है। MVR इज इक्वल टू H/2π, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल आ गया, NH/2π, ठीक है। तो समझ आ गई है यहाँ तक, ये हमारा था एंगुलर मोमेंटम, जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट में, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स्ड है, जो कि है MVR है, ठीक है, ये उसका एंगुलर मोमेंटम है, और MVR किसकी इक्वल है, NH/2π के, ठीक है। ये हमारे पास हमने निकाल लिया जो एंगुलर मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। समझ आ गई है यहाँ तक, यहाँ तक हमारे पास्टुलेट हो गए हैं कंप्लीट, और ये हमने प्रूव कर दिया MVR NH/2π के किस तरीके से इक्वल है, m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, n नंबर ऑफ जो है शेल ऑर्बिट है, ठीक है, 1, 2, 3 कोई भी ऑर्बिट हो जाता है, h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, या जो हमने पीछे वैल्यू पढ़ी है 2π, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमें पता चल गया MVR = NH/2π,
इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस, जो हमने पढ़ना है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में और बोर की एटॉमिक थ्योरी में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं। तो रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या बताती है, बहुत ही क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड। अगर आपको याद हो तो उसमें जो डिफेक्ट निकला था उसमें भी उन्होंने बताया था कि ये थ्योरी अगर रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी पे बेस की गई है तो उसमें डिफेक्ट्स निकले थे इस बेस पे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी थी बेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, बोर ने थ्योरी दी है जिसको बेस रखी है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करें, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बताया था कि किस पैटर्न पे रिवॉल्व करें, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाते हैं। ठीक है, जबकि बोर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करें उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। उसके बाद इन्होंने कोई ऑर्बिट के बारे में आइडिया नहीं दिया था, ठीक है, सिंपल कह दिया था कि वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करें, जबकि बोर ने ऑर्बिट्स के बारे में बताया और साथ ये भी बताया है कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स्ड है। उसके बाद ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, इन्होंने कोई आइडिया नहीं बताया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके गिर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, तो वो ऐसे उसके अंदर गिर जाएंगे, तो एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। साथ ही उन्होंने ये बताया था कि एटम जो है वो क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन बोहर ने कहा था कि एटम को लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड थ्योरी बता रही थी कि एटम शुड कोलैप्स, क्योंकि वो ऐसा ऐसा वो रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर खत्म हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, क्योंकि वो रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस के अंदर गिरता था, जब वो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वो आपस में ऐड करेंगे तो एटम का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी ये बता रही थी, जबकि बोहर की थ्योरी बता रही थी कि एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, एटम एक स्टेबल है तो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी है बोहर का मॉडल है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस है बोहर का और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी का। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं।